जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक सिक्योरिटी गार्ड में क्या क्या स्किल होनी चाहिए तथा कैसे कोई व्यक्ति एक अच्छा सिक्योरिटी गार्ड बन सकता है। साथियों, सबसे पहले किसी भी सिक्योरिटी गार्ड में बातचीत करने का कला होना चाहिए, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए। क्योंकि साथियों, सिक्योरिटी गार्ड को कई तरह के व्यक्तियों से मिलना पड़ता है, उनसे बातचीत करना पड़ता है, उन्हें जवाब देना पड़ता है। यदि सिक्योरिटी गार्ड को बातचीत करने का कला नहीं आएगा तो वो ढंग से बातचीत नहीं कर पाएगा। दूसरा, सिक्योरिटी गार्ड को अंग्रेजी लिखना पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड को कई सारे बिल्स तथा डॉक्यूमेंट्स चेक करने पड़ते हैं तथा उन्हें रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती है। तीसरा, सिक्योरिटी गार्ड को अपने संस्थान का SOP मालूम होना चाहिए तथा उसी के अनुरूप उन्हें कार्य करना चाहिए। चौथा, सिक्योरिटी गार्ड को फायर के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए कि फायर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और उसे कैसे बुझाते हैं, इन सभी चीज़ों का नॉलेज उसे होना चाहिए। साथ ही साथ फायर एक्सटिंग्यूशर को कैसे चलाते हैं तथा किस प्रकार की आग को हम किस प्रकार के एक्सटिंग्यूशर से बुझा सकते हैं, इन सभी का भी स्किल उसके पास होना चाहिए। साथियों, ये सभी स्किल्स एक सिक्योरिटी गार्ड के पास होना चाहिए। यदि किसी सिक्योरिटी गार्ड में ये सारे स्किल्स मौजूद हैं और वो अच्छा टर्नआउट पहनता है, लोगों से अच्छे से बातचीत करता है, वो ईमानदारी से ड्यूटी करता है, तो वह एक अच्छा सिक्योरिटी गार्ड बन सकता है।